रूस ने स्पुतनिक वी नाम का कोरोना टीका बनाया है। वहां ज्यादातर लोगों को टीका लग भी चुका है और अब रूस में कोरोना के केस ज्यादा नहीं आ रहे। कोरोना त्रासदी से निपटने के बाद पुतिन ने उन दुश्मनों को चेतावनी दी है जो रूस के लिए चुनौती बन रहे हैं। पुतिन सबसे ज्यादा नाराज उन देशों से हैं जिनके साथ रूस का सीमा विवाद है। पुतिन ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी दुश्मन ने रूस की जमीन हड़पने की कोशिश की तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। साइज में सबसे बड़ा, शक्ति में किसी से कम नहीं, रूस की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होती है और पुतिन की पहचान दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में है। दूसरे देशों को सीमा की रक्षा करने के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम देने वाला रूस अपनी सीमाओं को लेकर भी कम फिक्रमंद नहीं। पुतिन को अपनी सीमाओं की रक्षा उसी तरह से करनी पड़ती जैसे कई दूसरे देश कर रहे हैं। पुतिन के लिए परेशानी का सबब कई देश है। इसीलिए पुतिन ने अपने दुश्मनों को चेतावनी दी। चेतावनी ये कि अगर किसी ने भी रूस की जमीन हड़पने की कोशिश की तो फिर बारूद की बरसात होगी। व्लादिमीर पुतिन कितने गुस्से में हैं इसका अंदाजा उनकी बातों से हो रहा है। पुतिन ने कहा है, दुश्मन हमारे इलाके को छीनने की कोशिश करते हैं। हर दुश्मन हमसे हमारे हिस्से को काट लेना चाहता है। जो लोग ऐसा करेंगे रूस उनका दांत तोड़ देगा। रूस क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सोवियत संघ इससे भी बहुत विशाल था। रूस जानता है कि जमीन गंवाने की कीमत क्या होती है, इसीलिए पुतिन लगातार अपनी फौज को ताकतवर बना रहे हैं। अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक रूस की शक्ति बढ़ती जा रही। रक्षा पर पुतिन बेहिसाब खर्च करते। रूस के पास महाविनाशक मिसाइल और बमों की कमी नहीं। कुछ दिनों पहले पुतिन तब गुस्से में आए थे जब यूक्रेन ने सीमा विवाद को बढ़ावा दिया था। पुतिन ने अपनी फौज को घातक हथियारों के साथ भेजा था लेकिन युद्ध चल गए। रूस सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती देता रहा, इसलिए पुतिन की धमकी का अंदाज जितना कड़ा इसका दायरा उतना ही बड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।